बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर तगड़ा कलेश देखने को मिल रहा है। कई सारे पुलिस ऑफिसरों पर यह आरोप लग रहा है कि वो जाति देखकर काम कर रहे हैं। कई ऐसे चौधरी और जाट पुलिस वालों पर यह आरोप रविंद्र भाटी के समर्थक लगा रहे हैं कि कोई गाड़ी सीज कर रहा है तो कोई धमका रहा है तो कोई वोट नहीं डालने दे रहा है। सुबह से हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से बड़ी लापरवाही की जा रही है। अब वीडियो को देखकर हर कोई पुलिस प्रशासन से एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर ऐसी गड़बड़ी सामने आ रही है तो इस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि बड़ी बड़ी पार्टियां इस वक्त घबराई हुई नजर आ रही हैं। एक अकेला रविंद्र भाटी जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियों को पानी पिलाता हुआ नजर आ रहा है। साजिशें करनी पड़ रही हैं रविंद्र सिंह भाटी को रोकने के लिए। अब देखिए साजिश कौन कौन सी है, उनमें से एक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। देखिए ये वीडियो, इसमें संदिग्ध लिखा है। भाई साहब यहाँ पे पीआरओ कौन है, पीआरओ कौन है, पीआरओ कौन है? ये पुलिस वाला क्या बोल रहा है कि संदिग्ध सब संदिग्ध है, गाँव वाले सब संदिग्ध बिस्तरियों का गाँव है और विशेष तौर ये जाट है इसलिए पोलिंग में रोक रहा है। ये जाट है दूसरे इस पोलिंग में जो जाट है इसलिए रोक रहे हैं। अरे रुको तो करी, अरे देखो ये आप ये पीआरओ कौन है? अरे साहब सुनो सुनो सुनो, पीआरओ कौन है? पीआरओ कौन? के जात में, के जात में, के जात में भाई, के जात में तू, के जात में? अरे के जात में तभी यहाँ पे कान लगे सब चेक करना है। अरे भाई, अरे क्यों मैं सुबह से ये क्यों किया था बताओ? सुबह से एक चीज क्यों होती, सब लोग यहाँ वोटिंग नहीं करने दे रहे हो आप लोग? 180 वोट पड़े हैं, मतलब तुम कलेक्टर ऑफिस में वो मेरे को आपका कलेक्टर ऑफिस है मेरे सामने बताइए भैया झूंझाराम, मिस्टर झूंझाराम चौधरी, यहाँ पे आप प्रचारक बन रहे हो। यहाँ पे सबको रोक के खड़े हो 5 घंटे से, इतनी भीड़ से वोट नहीं डालने दे रहे हो, मतलब क्या है? यहाँ पे संदिग्ध लिखा गया, सबको संदिग्ध मान रहे हैं, ये लोग कौन से संदिग्ध हो गए? ये कौन से संदिग्ध हो गए? यहाँ पे बिस्तरियों का गांव इसलिए आप इसलिए तरह हो रहा हो क्या? और क्यों अभी तक क्यों रोक रहे? सुबह से उसका जवाब चाहिए, सुबह से जवाब चाहिए, क्यों रोक रहे थे बताओ? क्यों रोक रहे थे आप झूंझाराम, क्यों रोक रहे थे आप बताइए? सुबह से आपके आपके कौन सा ऑर्डर है उसमें संदिग्ध लिखा है? आपने बोला मेरे पास कलेक्टर ऑर्डर है, बताइए कलेक्टर ऑर्डर सामने लाइए, कलेक्टर का ऑर्डर कोई नहीं, आप नहीं, नहीं क्यों ये क्यों जबरदस्ती कर रहे थे बताइए? ये जबरदस्ती कर रहे ना, संदिग्ध तुमको दिख रहा है। अब किसी को आपके अफसर को आपके जेडीओ को बुलाइए, आपने गलती की या नहीं की है? आपने गलती की या नहीं की है? क्यों चेक कर रहे थे आप बताओ? क्यों चेक, किस अधिकार के लिए चेक कर रहे थे? संदिग्ध आपने झूठा प्रचार, और अंदर पीआरओ वो भी जाट है, अंदर पीआरओ ये सच्ची बेरी की बात है पूरे पूरे। अरे भाई क्यों डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है ये बंदा? ये सुबह से बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, नहीं रुको रहे, नहीं रुको रहे, आप फोन करो किसी को करना है, हाँ फोन करो आप, यहाँ पे आप रोक रहे हो, यहाँ पे जातिवाद कर रहे हो अंदर बूथ में बैठ करके, बूथ में बैठ कर जाटवाद कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे बिस्तु इसलिए आप सब लोग ये कर रहे हो, कहाँ सही कर रहा है? ये सुबह से रोक रहा है, सुबह से रोक रहा है, ये सुबह से रोक रहा है। जन्म डेट पूछे भाई क्यों? काम पीआरओ का है और एजेंट का आपका नहीं, आपका काम नहीं है। आपने जो ऑर्डर बताया सुबह से, आप लोगों को ऑर्डर बता रहे हो, मेरे पास कलेक्टर ऑर्डर है, क्या बोल रहे हो? कलेक्टर ऑर्डर है, कोई ऐसा नहीं डाल रहा, कोई ऐसा नहीं डाल रहा, गलत बात है, कोई गलत बात है, कोई ऐसा नहीं डाल रहा है, सुबह से लगी ये चीज हो रही है।
हाँ मोबाइल की पार्टी आने दो, आप नहीं दिखाते पीआरओ साहब। ओ पीआरओ साहब, पीआरओ साहब, हेलो, ओ पीआरओ साहब, हेलो पीआरओ साहब, इधर आओ। इसका बेल्ट नंबर 34 है, जुंजाराम चौधरी है ये, और यहाँ पे सुबह से सबको परेशान कर रहा है ये, लोगों की जन्म तिथि से फिजिकल ले रहा है। क्यों विष्णु ये सभी मुंह में जान बूझ के कर रहा है। इस तरीके से उम्मीदवार हम कोई भी, चाहे कोई भी जीतने वाले नहीं, आप सोच रहे हो ना। हाँ Yeah, no, but I'm not going to do it.